अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 64। आज के इस लेसन में हम देखेंगे स्फीयर शेप क्या होती है, पैरामिड्स, विच और टॉरस पे क्लिक टॉरस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और आज का लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह कि हमने प्रीवियस लेसन में 3D मॉडलिंग के ऊपर हमने स्क्वायर शेप बनाई थी, मेन एक बॉक्स बनाया था, उसके बाद सिलेंडर बनाया था और कौन बनाया था। तो आज के इस लेसन में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और आज का लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। आप इन शेप्स की मदद से काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो और अपने ऑटो कैड में मॉडलिंग कर सकते हो, 3D मॉडलिंग कर सकते हो। आज के लेसन के लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने जितना भी काम किया उस पर आप बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी तरह से ऑटो कैड पर प्रोफेशनली काम कर सकें और ऑटो कैड में आप 3D मॉडलिंग भी कर सकें। 3D मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में और इसके अलावा इसकी जॉब्स भी बहुत अच्छी आती हैं 3D मॉडलिंग की। तो इसके लिए आपने ऑटो कैड को अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह से इसमें प्रैक्टिस करनी है ताकि आप आसानी से इस पर काम कर सको। एंड चला, इसके बाद ऑटो कैड 2015 के बाद 3D स्टूडियो मैक्स पे काम करेंगे और 3D स्टूडियो मैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटो कैड से बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है। ओके, मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। ओके, आपने वही काम करना है कि आप यहाँ पे जाके और यहाँ पे आपने क्लिक करना है, स्विच आइसोमेट्रिक पे लाना है इसको और SW आइसोमेट्रिक पे लाना है, और उसके अलावा आपने यहाँ पे 2D वायर फ्रेम की जगह आपने शेडेड ऑफ ड्रेप पे क्लिक करना है, और उसके अलावा आपने UCS आइकन को अपने ओरिजिन पॉइंट में लॉक करना है। उसके लिए UC एंटर करेंगे और डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट। ओके ओके, आज के इस लेसन में हमने जो काम करना है वो करना है हमने बॉक्स के बाद और सॉरी कॉन के बाद के जो चीज़ें रहती हैं, स्फीयर शेप है जो कि राउंड शेप होती है और पैरामिड है, विज है और टोन्स है। अब ये चीज़ें मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसकी मेन्यू बार भी ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि इसके मेन्यू में ये चीज़ें हैं कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाके तो शो मेन्यू बार पे क्लिक करता हूँ। फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, टूल है, ड्रॉ, डायमेंशन, मॉडिफाई। ओके, यहाँ पे ये सारे काम, ये जो 3D मॉडलिंग वाले काम है ये यहाँ पे नहीं है, देख सकते हैं। मॉडिफाई में जाते हैं और यहाँ पे देखें 3D ऑपरेटर्स है, 3D मूव है, रोटेट है, 3D अलाइन, एडजस्ट, सॉलिड एडिटिंग है, एक्सपोर्ट। यहाँ पे इतनी ज़्यादा कमांड्स नहीं है लेकिन 3D की कमांड्स तो हैं इसमें, क्योंकि हमने पिछले जो ऑटो कैड 2007 हमने किया था उसमें हमने सारे काम किए थे, लेकिन और इसमें और कोई काम नहीं है। तो इसके लिए मैं इसको जो विंडो है इसको मैं सॉरी जो मेन्यू बार है इसको मैं ऑफ करता हूँ। ओके, तो आज के लेसन के लिए मैं स्पेयर पे क्लिक करता हूँ। अब स्पेयर में क्या है कि आप कहते हैं कि सेंटर पॉइंट पे आप क्लिक करें जहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मूव करता हूँ। आप देखें यहाँ से आपको कह रहे हैं डायमीटर कितना देना है, यहाँ पे आप देखें तो नीचे लिखा हुआ है डायमीटर, डायमीटर कितना देना है, तो डायमीटर में देता हूँ। या फिर आप रेडियस भी दे सकते हैं, तो रेडियस के लिए स्पेसिफाई रेडियस, रेडियस में देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 फिट का रेडियस दे देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे यूनिट सेट नहीं की भी, तो यूनिट के लिए UN एंटर, इंजीनियरिंग और 0 फुट 0 इंच। ओके, स्पेयर पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको रेडियस देता हूँ 10 फीट, 10 फीट का बहुत बड़ा रेडियस बन गया, देख सकते हैं शेप बन गया। और इसी तरह मैं दोबारा स्पेयर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डायमीटर देता हूँ, डायमीटर के लिए डी एंटर करूँगा और डायमीटर भी मैं 10 देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों में कितना फ़र्क है, देख सकते हैं।
अब इसमें कलर थोड़ा सही नहीं है, उसके अलावा यहाँ पे कॉर्नर आप वाइट वाइट नज़र आ रहे होंगे आपको, तो ये सारे काम होते हैं, ये सारे काम इसमें हम चेंजिंग लाएंगे जब हम इसमें मटेरियल पे काम करेंगे, इसके मटेरियल के ऊपर काम करेंगे। उसके अलावा आप यहाँ से इसको चेंज करके भी देख लें तो आपको मटेरियल में काफ़ी फ़र्क पता चल जाएगा। शेडेड पे क्लिक करता हूँ, देखें आप शेड में क्या हुआ है, इसका शेड चेंज हो गया देख सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पे और भी काम कर सकते हैं जी, ये देखें इस तरह करते हैं, ये आपने मुख्तलिफ यहाँ से इसके सॉलिड पे आपने देखें काम करने, तो आप इस तरह इस पर आप देखें कर सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मल वही देता हूँ, या यहाँ पे आप इस पर क्लिक करें तो ये भी स्टाइल है देख सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मली जो है तो ग्रे शेड पे क्लिक करता हूँ, शेडेड ऑफ ग्रे, तो ये हमारा से शेप बन गया जी। नेक्स्ट काम करता हूँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास पेयर में पैरामिड है। अब कॉर्न और पैरामिड तकरीबन सेम है, लेकिन कॉर्न में सर्कल रेडियस देना पड़ता है, इसमें नीचे रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर शेप है। क्लिक करें इस पर, तो यहाँ पे भी आपने कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें आप। अब यहाँ से आपसे देखें रेडियस मांग रहे हैं कि रेडियस कितना होना चाहिए, आर एन सिक्स एन सब्सक्राइब कह रहे हैं, तो आप उसके लिए आई एंटर करेंगे। आई एंटर करता हूँ मैं, और एन सब्सक्राइब में आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने इसको कौन सा दे रहा, आप यहाँ से इसको मैं देता हूँ 10-15 फुट, तो ये मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि सब फंक्शन क्या होता है, और यहाँ पे इसको मैं हाइट देता हूँ 15 फुट, 15 फुट की हाइट मैंने दी है, सॉरी मैं 15 इंच ही मैंने दी है, फिट की नहीं दी। तो ये पॉलीगन शेप का आपको कह रहा था कि पॉलीगन जो शेप होती है जिस तरह, तो उसमें आपको ये दो ऑप्शन देता होता है, एक सर्कुलर सर्कम सब्सक्राइब का फंक्शन देता होता है और एक एन सब्सक्राइब का फंक्शन देता होता है। तो इसके लिए मैं अब सी एंटर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जो नॉर्मल इसका है, और सी पे रेडियस देता हूँ 10 फिट का रेडियस दिया और 15 फिट इसको हाइट दे दी मैंने। ओके, तो देखें एक और शेप बन गई मेरे पास। नेक्स्ट शेप जो है, नेक्स्ट है हमारे पास विड्थ का फंक्शन है, तो विड्थ का फंक्शन ये होता है कि आप में यहां से फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया और मैंने आगे कितना लेके जाना है, देखें रेक्टेंगल की तरह ये भी काम करेगा, तो मैं इसको देता हूँ एट द रेट ऑफ 10 फिट कामा 3 फिट, एंटर करता हूँ 10 और 3 का ये बन गया। अब इसको ऊपर आपने स्पेसिफाई आपने इसको हाइट देनी है, हाइट में इसको देता हूँ 6 फिट। ओके, देख सकते हैं। अब ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, अब जो फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया मैं दूसरी साइड से उसको मैं मूव करना चाह रहा था, दूसरी साइड पे आप करने के लिए आप क्या करेंगे, इस साइड से स्टार्ट करेंगे देख सकते हैं, इस साइड से स्टार्ट किया फॉर एग्जाम्पल इतना मैंने किया, और आप देखिए उस साइड से ये मूव करेगा, अब जिस साइड से स्टार्ट करेंगे उस साइड से ये मूव करेगा। इसको मूव करता हूँ मैं यहाँ सेंटर पॉइंट से। ओके, नेक्स्ट जो शेप है, नेक्स्ट है आपके पास जी यहाँ पे टॉरस है, तो टॉरस के लिए भी आप क्लिक करेंगे, ये भी आपसे रेडियस या आपसे डायमीटर मांगेगा, तो आप डायमीटर के लिए डी एंटर करें और डायमीटर दे दें जी 20 फुट, डायमीटर दे दिया, और अब आपको इसने राउंड देखें कितना होना चाहिए टेरेस, अंदर से कितना इसमें फर्क होना चाहिए, तो 9 फुट का इसने यहाँ पे दिया हुआ, तो मैं इसको देता हूँ 3 2 फिट देता हूँ, देखिएगा 2 फिट में जब करूँगा तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी देख सकते हैं, देख सकते हैं इसकी जो मोटाई है उतनी मैंने दे दी 2 फुट, तो इसकी शेप ऐसी हो गई। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे क्लिक करें फर्स्ट पॉइंट पे जितना देना चाह रहा हूँ, और यहाँ से आप इसको मूव करेंगे जितना देखें उतना मूव, ओके उतनी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थे जी आज के लेसन्स का काम, जो कि आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और इनमें हम और भी बहुत ज़्यादा मॉडलिंग करेंगे, इनके अंदर एडिटिंग करेंगे, इनके अंदर इसके अंदर हमने एडिटिंग करनी है, और ये सारे काम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम एक्सट्रूड के ऊपर काम करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रूड और लॉफ्ट के ऊपर काम करेंगे, फिर रिवॉल्व एंड स्वीप के ऊपर काम करेंगे। तो
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।